अब आप क्लास 9th में आ गए हो। वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। अभी आप जिस क्लास में आ रहे हो ये आपके फ्यूचर की एक तरीके से प्री स्टेज है। अब तक आपके जितने भी मार्क्स या ग्रेड आए आपसे कोई नहीं जानेगा, बट यहाँ से आगे अगर आपको अच्छे से कॉलेज में एडमिशन भी चाहिए तो उसके लिए भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उससे ऊपर ही रहना होगा। आपको आपकी सोसाइटी में मार्क्स के अकॉर्डिंग ही जज किया जाएगा। मैं मानता हूँ कि मार्क्स कुछ मैटर नहीं करते हैं, आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको वो चीज़ आनी चाहिए। लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो आपके पापा भी बोलेंगे कि शर्मा जी के बेटे को देख। अगर ये डायलॉग नहीं सुनना चाहते हो तो ये अभी क्लास की शुरुआत है। मन लगाकर जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, इसलिए पढ़ने पर पूरा फोकस शुरुआत से ही रखना। और इस क्लास में आपको जो आपके कुछ गलत हैबिट्स हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ये मोटिवेशन एंड गाइडेंस एंड टाइम टेबल के लिए अलग वीडियो बना दूंगा अगर आप मुझे कमेंट्स करेंगे सभी। तो पढ़ने के लिए आपको प्राइमरी सोर्स की ज़रूरत तो होगी, बुक्स। तो अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको अच्छी बुक्स चाहिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी बेस्ट बुक्स पे जिनसे कि जनरली बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं एंड जिसमें सबसे अच्छे तरीके से अ बेस्ट वे ऑफ सिलेबस प्रेजेंट किया गया है। अब तक आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स थे ये उनसे काफ़ी डिफरेंट होने वाले हैं। लाइक साइंस में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी हो जाएगी। सोशल स्टडी में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स हो जाएगी। कुछ सब्जेक्ट आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल नए हैं, इसीलिए मन लगाकर पढ़ना। वैसे भी इस पेंडेमिक टाइम पीरियड में, लॉकडाउन में, मैं समझ सकता हूँ आपकी जो ऑफलाइन स्टडीज़ है उस पर बहुत इफेक्ट हो रहा है। आपके पास ऑनलाइन पे कई सोर्सेज है, आप वहाँ से भी इजीली पढ़ सकते हो बिना कोचिंग के भी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो हम क्लास 9 CBSE के लिए कुछ बेस्ट बुक्स प्लस रेफरेंस बुक्स के बारे में जानेंगे, जिनकी ईजिली लैंग्वेज पढ़कर आप मन लगाकर पढ़ोगे तो बिलीव मी 10th क्लास में भी आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा एंड 90 एंड 95 प्लस आप ज़रूर फोड़ोगे। इस वीडियो में जितनी भी बुक्स, रेफरेंस बुक्स बताई गई हैं उन सभी को टॉपर्स ने भी रिकमेंड किया है एंड कई बोर्ड टीचर्स ने भी। तो मैंने इन बुक्स को बहुत रिसर्च करने के बाद एंड एनालिसिस करने के बाद ही आपको ये बता रहा हूँ, तो आप बेफिक्र होकर इन सभी बुक्स को परचेस कर सकते हो। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप सिंपली एक बार अपने टीचर का सजेशन जरूर ले लीजिएगा। अगर आप इन्हें ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो सभी का लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से डायरेक्टली इन्हें कम प्राइस पर खरीद सकते हो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, इस चैनल पर हम आपको क्लास 8th to 12th स्टडी मटेरियल एंड टेक रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, जनरली जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पास क्लास 9th में होंगे वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो हम 1x1 करके सबकी बेस्ट बुक देखते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। आपके पास इंग्लिश की दो बुक्स होती हैं, लिटरेचर की बिहेवियर एंड मूवमेंट्स एंड एक ग्रामर की बुक होगी। तो गाइज, इंग्लिश लिटरेचर में जो NCERT बुक्स हैं आपके पास, बिहेवियर एंड मूवमेंट्स, ये दोनों बुक्स सेल्फ सफिशियंट हैं एंड अगर आप मैनेज कर सको तो आप इनकी हेल्प बुक जो सप्लीमेंट्री बुक होती है वो आप लीजिएगा। आपको 9th क्लास की इजीली मार्केट में हेल्प बुक मिल जाएंगी इंग्लिश की। ओके, इन हेल्प बुक्स में आपको इंग्लिश की हिंदी मिल जाएगी एंड जो अदर यूजफुल कंटेंट है वो भी मिल जाएगा, जिससे कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प से आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड गाइस, ग्रामर के लिए आप क्लास 9th, 10th, 11th की जो कलेक्शन का जो ग्रामर बुक आती है वो आप ले सकते हो, लेटेस्ट एडिशन। एक बुक से ही आपकी 10th की भी तैयारी हो जाएगी एंड जो NCERT से ग्रामर करने पर आपको एक और फ़ायदा है कि जैसे लेटर या फिर नोटिस वगैरह का जो भी फॉर्मेट CBS चेंज करती है, तो अगर आप कोई क्वेश्चन NCERT बुक के अकॉर्डिंग करते हो और अगर किसी टीचर ने बोर्ड में भी एंड स्कूल में भी किसी ने उसको गलत कर दिया तो आप इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो एंड कोर्ट में केस कर सकते हो। आपका जो कटा हुआ मार्क्स है वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा अगर आपने NCERT के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन अटेंड किया है तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ बेस्ट रेफरेंस बुक। सो गाइज, अ बेस्ट रेफरेंस बुक फॉर इंग्लिश कोर आर ऑल इन वन गोल्डन एंड टॉप ग्रेडर। तीनों ही बुक्स बेस्ट बुक्स है। इनमें आपको दोनों लिटरेचर पोर्शन एंड ग्रामर पोर्शन, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, CBSE एग्जाम्पलर्स, NCERT क्वेश्चंस एंड मेनी मोर एक्स्ट्रा यूजफुल मटेरियल ईजिली मिल जाएगा। आप इनके लेटेस्ट एडिशन में से कोई सा भी एक बुक खरीद सकते हो। तीनों ही सेल्फ सफिशियंट है,
मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर क्लिक करके तीनों के प्राइसेस चेक कर सकते हो एंड इनकी जो फ्रंट पेज पर जो इनकी कॉन्फ़िगरेशंस लिखी हुई है उनको कंपेयर करके अपने लिए एक बेस्ट बुक चुन सकते हो। बट तीनों ही बेस्ट बुकें आप कोई सी भी ले सकते हो, आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग आपको जो सुटेबल लगे। आप एक बार अपने टीचर से भी सजेशन ले सकते हो, वो भी इन्हीं तीनों में से आपको कोई एक बुक सजेस्ट करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिंदी। CBSE के सभी स्टूडेंट्स जनरली हिंदी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हिंदी के जो पेपर होता है वो काफ़ी लेंथी होता है एंड आपको हिंदी लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू योर इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी, तभी आप इजीली अपना पेपर कंप्लीट कर पाओगे बोर्ड में, क्योंकि वहाँ पर जब आप ऐसे लिखोगे तो उसमें भी आपको 20 मिनट लग सकती है अगर आपने नहीं प्रैक्टिस किया तो। तो कोशिश कीजिए कि अच्छी तरीके से हम हिंदी को भी प्रॉपर एंड इक्वल टाइम दें। तो बात करते हैं गाइज इसकी बेस्ट बुक्स की। तो गाइज हिंदी लिटरेचर में आपके पास NCERT बुक्स होती हैं जो कि बेस्ट है एंड आप इन्हीं से पढ़िए। एंड गाइज हिंदी ग्रामर के लिए आप अपनी स्क्रीन पर कुछ बेस्ट बुक्स देख सकते हो। आप अपने टीचर से हिंदी व्याकरण के लिए एक बार एडवाइस जरूर ले लीजिएगा, मे भी हो सकता है कि आपके स्कूल में कोई अदर बुक चल रही हो। अगर बात करते हैं हम बेस्ट रेफरेंस बुक्स फॉर हिंदी, तो गाइज मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा गोल्डन एंड ऑल इन वन की। ये भी सेम इंग्लिश की तरह ही सेम मटेरियल मिल जाएगा आपको एंड बेस्ट बुक्स। आप इन दोनों बुक्स में से कोई सी भी बुक एक परचेज कर सकते हो और अगर आप अच्छी तरीके से इन दोनों बुक्स को पढ़ोगे तो आपका पेपर सबसे अच्छा होगा। तो गाइज अब बात करते हैं मैथमेटिक्स। तो एज यूजुअल जो सभी टीचर्स एंड जो टॉपर्स आपको रिकमेंड करते हैं, आपको क्लास 9th में RS अग्रवाल एंड RD शर्मा दोनों में से कोई भी एक लेटेस्ट एडिशन की बुक ले सकते हो। दोनों ही बेस्ट बुक्स हैं। अपने सब्जेक्ट या ट्यूशन टीचर से भी एक बार पूछ सकते हो, वो भी आपको इन्हीं दोनों में से कोई एक बुक लेने के लिए कहेंगे। एंड गाइज अगर आप RS अग्रवाल एंड RD शर्मा में से कोई भी एक बुक कर लेते हो तो आपको क्लास 9th फिर NCERT बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट 10th में आपको ज़रूरत होती है। ये दोनों ही बेस्ट बुक्स हैं गाइज। एंड जो RD शर्मा के लिए कई लोगों ने ओपिनियन बना लिया है कि ये बुक बहुत हार्ड है, मैं आपको बता दूँ ये बुक हार्ड नहीं है, बट इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बुक्स थोड़े ज़्यादा हैं। एंड गाइस कोई भी चीज़ हार्ड तब तक होती है कि जब तक वो आपको आए नहीं, जब आपको वो समझ में आ जाए तो वो आपके लिए इजीली बन जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसमें से कोई सी भी बुक ले सकते हो। तो गाइस अब बात करते हैं सोशल स्टडीज़। तो इसमें आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स चार सब्जेक्ट्स होते हैं। इकोनॉमिक्स एकदम न्यू सब्जेक्ट होगा मे बी आपके लिए। तो गाइस सोशल स्टडीज़ के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इन चारों NCERTs को 2-3 बार अच्छी तरीके से पढ़िए और आपका कंप्लीट सिलेबस आपको ईजिली तैयार हो जाए। गाइस फिर भी अगर आप कोई रिफ्रेशर की डिमांड करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा ऑल इन वन, गोल्डन, टुगेदर विद या फिर टॉप ग्रेडर की जो बुक्स आती हैं वो। इन चारों बुक्स में से किसी भी बुक्स ले सकते हो गाइस, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। अब मेरा मतलब क्या है कि आप इनकी सभी की प्राइस देख सकते हो एंड जो इनके फ्रंट पेज पर जो जो इनकी बारे में लिखा हुआ है वो आप चेक कर सकते हो, ऑलमोस्ट सेम है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी एक बुक ले सकते हो एंड अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बेस्ट बुक से आप कोई सी भी जो भी आपको अवेलेबल इजीली हो जाए वो आप ले सकते हो। गाइस इन सभी बुक्स की लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं, तो आप वहाँ पर जाकर इनके रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हो, इनकी डिटेल्स चेक कर सकते हो एंड अपनी जो इनकी प्राइस है वो आप अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई सी बुक खरीद सकते हो। ओके अब बात करते गाइस साइंस भी अब आपको 3 पार्ट्स में मिलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो डरो मत गाइस, आप पढ़ोगे तो आपको सब इजी लगेगा। तो गाइस हम बात करते हैं इनकी बेस्ट बुक्स की। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा साइंस के लिए कि आप एस चंद की ही तीनों बुक्स खरीद सकते हो, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की भी, वही बेस्ट बुक्स है। एंड जो लास्ट में आप सैंपल पेपर्स कोई भी ओसवाल वगैरह के खरीद लीजिएगा जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार प्लीज़ NCERT से गो थ्रू कर लीजिएगा, साइंस के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, NCERT से गो थ्रू कर लेना है, देन एस चंद की तीनों बुक्स पढ़नी है एंड लास्ट में आप किसी भी सैंपल पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हो, तो साइंस आपके लिए अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगी। ओके तो गाइज अब बात करते हैं वन ऑफ माई फेवरेट यानी कंप्यूटर। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसे आप अच्छी तरीके से पढ़िए, आपको डेली लाइफ में एंड आफ्टर योर कॉलेज आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड क्लास 9th की जो कंप्यूटर की बुक है वो आपसे बिल्कुल फेमिलियर बुक है। आपके जो मोबाइल फ़ोन एंड जो PC में जो भी सिस्टम्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड जो भी बेसिक डिटेल्स हैं एंड इंफॉर्मेशन है वही आपकी बुक में इस साल दी गई है। तो आप अच्छी तरीके से उसको पढ़ना एंड कोशिश करना कि अपने टीचर से जब आपके स्कूल खुले आपको वो प्रैक्टिकल लैब में लेकर जाएँ तो आप वहाँ से
इजीली अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर सीख पाओगे। तो गाइस जो इसके लिए बेस्ट बुक है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ABD's कंप्यूटर एप्लीकेशन, जीवांस कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड फ्रैंक कंप्यूटर एप्लीकेशन, तीनों ही बेस्ट बुक है जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाए एंड जो जिसकी भी डिटेल्स एंड रिव्यूज़ आपको अच्छे लगे आप वो खरीद सकते हो। सभी बुक्स को लेने से पहले आप एक बार उनके रिव्यूज़ ज़रूर देखा कीजिए, समझ रहे हो गाइस। रिव्यूज़ देखने से आपको पता चलता है कि स्टूडेंट्स का उन बुक्स के बारे में क्या व्यू है। आप इन सभी बुक्स को परचेज कर सकते हो और कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक बार आप अपने टीचर से डिस्कशन कर सकते हो जिस बुक में भी आपको डाउट आ रहा हो। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई और वीडियोज़ चाहिए तो आप सिंपली हमें कमेंट कीजिएगा एंड वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ ज़रूर बताना एंड हमारे YouTube फैमिली को प्लीज़ इंक्रीज़ करने में हमारी मदद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक सभी एजुकेशनल वीडियोस मिल जाएंगी एंड टेक रिलेटेड वीडियोस तो हम अपलोड करते ही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।